हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन वीकली होरोस्कोप का। जी हां, साप्ताहिक राशिफल 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक का दिन आपका कैसा रहेगा, ये जो हफ्ता है पूरा सप्ताह ये आपका कैसा रहेगा, एक एक दिन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा 12 राशियों के बारे में। शुरू करने से पहले एक बार उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट को चेक करिए, बहुत सारे टॉपिक पर मैंने टैरो रीडिंग कर रखी है तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप सभी के सहयोग प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले एक बार याद करा दूं, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो अगर आप अपनी लाइफ से जुड़े किसी मैटर पर मेरी सलाह चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं, टैरो की सलाह चाहते हैं, और अगर लाइफ में कुछ ब्लॉकेज वगैरह फील कर रहे हैं और आपको बिल्कुल एक काउंसलिंग की जरूरत है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरी टीम का और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मुझसे कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं सिलसिलेवार आपकी राशि में। लेकिन एक बार आपको बता दूं कि हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, और साथ ही साथ ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट ऑन कर दिया गया है। तो आप अपनी राशि का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के टाइम स्टैम्प पर जाकर के अपनी राशि के ठीक सामने वाले टाइम पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी राशि का रीडिंग शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी राशि में। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो मेष राशि के लोगों, आप सभी का स्वागत है, आपके लिए रीडिंग करूंगा। पहली राशि आप हैं तो आपके सामने कार्ड्स की शफलिंग भी हो रही है। और चलिए एक बार शफलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। मेष राशि आपके लिए देखते हैं कि 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक का समय कैसा रहने वाला है। तो 5 जुलाई की बात करते हैं। सबसे पहले 5 जुलाई आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल तो रहेगा। पहले कुछ नकारात्मक बातें फिर पॉजिटिव बातें क्योंकि क्या कहते हैं उसको, तीखा खाने के बाद मीठा खाने का मजा अलग है ना। तो 5 जुलाई थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। इस दिन आपको कुछ टॉट सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रगल का एक तरह से समझे स्ट्रगल भरा दिन रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि कुछ भी हो जाए दिन आपका है, चीजें आपके फेवर में आनी आनी है, एंड ऑफ द डे जीत आपकी होगी। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो जाए 5 तारीख को आप जीतेंगे ही जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और, आगे बढ़ने से याद है, अगर कोई नया काम 5 तारीख को शुरू करते हैं तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए अगर किसी काम को शुरुआत करने के लिए आप एक अच्छा डे चाहते थे तो 5 जुलाई आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। 6 जुलाई की बात करते हैं मेष राशि। अरे गजब, आपके लिए आ गया है 3 ऑफ द कप्स का कार्ड। जी हाँ, 3 ऑफ द कप्स का कार्ड अकेला ऐसा कार्ड है पूरे टैरो में जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइम पॉजिटिव खबरें ही लेकर के आता है। नॉर्मली कभी कभी ये मुझे नेगेटिव चीजें बताता है अपने मन से, तो एक नॉर्मल वे में ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आपके लिए ये पॉजिटिव कार्ड आया है। सेलिब्रेशन का दिन रहेगा, दोस्तों के साथ परिवार के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। जो लोग आपके संपर्क में आएंगे उन्हें भी आपके साथ खुशी महसूस होगी और लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। इन चीजों के अलावा आप इस दिन को काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे और किसी प्रकार की टेंशन वेंशन नहीं लेंगे, और जो टेंशन है उसको थोड़े समय के लिए आप साइड रख देंगे और अपने आप को एक शांत आनंदमय मुद्रा में पाएंगे। यहां सिर्फ एंजॉय एंजॉय की बात नहीं हो रही है, सफलता प्राप्त करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है, कार्यों को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है। तो हर तरीके से दिन आपके फेवर में है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। नए मित्रों को बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। और 7 जुलाई का दिन जो है ये धन के मामले में आपको सफलता दिलाएगा। धन के मामलों में आपके द्वारा किए गए पुराने प्रयासों का प्रतिफल मिल सकता है, नए प्रयास इस दिन जो किए जाएंगे उनका फ्यूचर में प्रतिफल मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि प्रतिफल मिलता जाए, खर्चा भी इस दिन खूब सारा होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। परिवार के ऊपर खूब खर्चा हो सकता है, ऐसी चीजों पर भी खर्च हो सकता है जिनकी आपको जरूरत नहीं थी। जैसे एक बार मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जरूरत थी 32 इंच के टीवी की, ले आए 56 इंच का टीवी। तो ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, और फिर कभी कभी होता है। जैसे मेरे एक जान पहचान के थे, उन्होंने एक बार सोफा खरीदा बहुत बढ़िया सा बड़ा सा, और उसको लेकर के घर गए तो पता चला कि वो सोफा एक्चुअली इतना बड़ा है कि उनके घर के डोर से अंदर नहीं जा, मतलब वो रूम के अंदर नहीं जा रहा था, तो उन्हें लिटरली वो सोफा वापस करके दूसरा लेकर के आना पड़ा। तो इसको कहते हैं फिजूल खर्ची।
जिसकी जरूरत नहीं थी वो लेकर आ गए। तो ऐसा हो सकता है 7 तारीख को, 8 जुलाई का दिन। अब ये तीन अच्छे दिन जाने के बाद एक दिन आपके लिए थोड़ा सा बुरा जाने वाला है। पहली चीज इसमें बुराई ये है कि इस दिन आप किसी पर भरोसा ना करें। दूसरी प्रॉब्लम इस दिन में ये है कि वे लोग जो आपको एक बारी धोखा दे चुके हैं दोबारा धोखा दे सकते हैं, तो उन पर भी भरोसा ना करें। तीसरी प्रॉब्लम इस दिन में यह है कि आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में बंधा हुआ पाएंगे जहां आपको लगेगा कि बस अब आप निकल नहीं सकते हैं। और वो जो सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे, वो सिचुएशन एक्चुअली आपने क्रिएट करके रखी है अपने लिए। जी हाँ, तो आप अपने बनाए जाल में फंसते चले जाएंगे और अपने बनाए जाल में फंसने के बाद आप सोचेंगे कि बाहर कैसे निकलेंगे यहां से। वो था ना जिसको कहते हैं कि खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा जैसे तैसे, फिर खुदा ने उससे पूछा तू उतरेगा कैसे, तो वो वाली कंडीशन आपके पास आएगी। ये सडनली राजू श्रीवास्तव ने एक सुनाया था तो मुझे ये याद रह गया था क्योंकि ये बड़ा ही गजब का था। खैर, तो इस वाली सिचुएशन से निकलने का सबसे आसान तरीका भी बता दूं, मतलब बंद करते करते, यानी इस दिन को क्लोज करते करते, आसान तरीका यह है कि चूंकि जाल आपने बुना है तो काट आप सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखें। जब वो सिचुएशन आए, जब आप बंधा हुआ 8 तारीख को महसूस करें, तो अपने आप से सवाल पूछें कि क्या इस पूरी सिचुएशन को मैंने क्रिएट किया है। और अगर आपने क्रिएट किया होगा तो आपको फील होना शुरू होगा कि हाँ मैंने ही तो ये सारा जाल बनाया है और इसमें मैं खुद फंसा हूं या फंसी हूं। तो जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस सारे चीज के पीछे आप ही हैं, तो आपको रास्ता भी आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई के दिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा आपके फेवर में है, हर चीज आपके लिए सूटेबल है, सुगम है, अनुकूल है, कंफर्टेबल जोन में है। फिर भी आप उदास रहेंगे, फिर भी निराश रहेंगे, फिर भी अपने आप को डिप्रेस महसूस करेंगे। और इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ आपका माइंडसेट है जो आपको बताता रहेगा कि फला चीज की कमी है। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं क्या दूं, बिल्कुल इसको ऐसा समझें कि सारी चीजें आपके सामने आ गई खाने के लिए, अब सब कुछ आपको खाना है और पूरी तरह से प्लेट या मेज आपकी टेबल सजी हुई है, और आप सिर्फ इसलिए उदास बैठे हैं कि चम्मच नहीं लाया यार किसी ने, हाथ से खा लीजिए, जरूरी चम्मच से खाएं। लेकिन अब चम्मच की गैर मौजूदगी की वजह से पूरे खाने को आप अवॉइड कर जाएं तो ये समझदारी नहीं है, क्योंकि चम्मच से कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही अवॉइड मतलब कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन सारा खाना जरूरी नहीं चम्मच से खाया जाए। तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही होगा कि उन चीजों के लिए आप परेशान होंगे जो गैर जरूरी है। सिंपल सा बात ये समझें। ओके, तो अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आपको पहली चीज तो किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए, दूसरी चीज किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए जानबूझ करके खुद, तीसरी चीज दूसरों के झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए, चौथी चीज अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं तो वहां से जल्दी से भाग जाए, निकल जाए, भले आपको अपना ईगो डाउन करना पड़े, किसी को सॉरी बोलना पड़े, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब सबसे लास्ट ये कि ये दिन ऐसा बुरा नहीं है, अच्छा है। कितनी भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो, जैसा कि मैंने आपको 5 तारीख के लिए बताया था, जीत आपकी होगी अंततः, लेकिन यहां पर जीत आपकी होगी नहीं, अगर आप जीतना चाहेंगे तो आपकी जीत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 5 तारीख वाले में तो मामला यह था कि चीजें आपके फेवर में एंड में आ जाएंगी और आप जीत जाएंगे, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन 10 तारीख में मामला यह है कि चीजें आपके फेवर में आ नहीं रही हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो आ जाएंगी। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जुलाई का जो दिन है, ये काफी तेज दिन रहेगा, काफी फास्ट डे रहेगा। इस दिन फास्ट मतलब वो फास्ट रखने वाला नहीं, वो तेजी वाला फास्ट। तो इस दिन आप अपने लक्ष्य, अपने गोल के प्रति जितना ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा मतलब आगे बढ़ेंगे मतलब जितना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। आपने एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लिया और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो किसी प्रकार की रुकावट आपको नहीं आएगी, और अगर कोई रुकावट आएगी तो वो आपके लिए इतनी बड़ी नहीं होगी जिसको आप आसानी से पार ना कर सकें। अपनी इमेज को बनाने में आपने जो मेहनत करी है वो इमेज खराब ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आप अपने स्वार्थवश कोई काम 11 तारीख को करते हैं तो, और अगर अपने स्वार्थवश कोई काम नहीं कर रहे हैं, शांति से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ाइए, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो एरीस यानी मेष राशि, आपके लिए यह था साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 जुलाई के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि, आपके लिए 5 जुलाई का जो दिन है,
संतुलन स्थापित करने का दिन है। जितना ज्यादा आप संतुलित रहेंगे, अपने आप को जितना संयम में रखेंगे, संतुलन का मतलब संयम भी होता है, पेशेंस भी होता है, तो जितना पेशेंस रखेंगे, कोई पर्सन आपको इरिटेट कर रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, जवाब मत दीजिए, बोलिए मत, उसको बताइए मत कि आप इरिटेट कर रहे हैं मुझे। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि उसकी खुद की इंसल्ट होनी शुरू हो गई, आपको कुछ करना वरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंपेशेंट हो जाते हैं, उसने आपको इरिटेट किया और आपने तुरंत रेस्पॉन्स कर दिया, तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे, आपके आपके साथ चीजें 5 तारीख को थोड़ी सी बढ़िया रहेंगी, कोई नुकसान आपको नहीं होगा इंडिविजुअली, और एक तरह से समझें तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी, इसलिए दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा संतुलन जरूर बनाए रखें, और अगर कोई इरिटेट करे तो थोड़ा उसके साथ मजे ले लें, कुछ ना करें, इग्नोर कर दें उसको। 6 जुलाई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, लेकिन इस दिन आप अपने आप को साबित करने के, देखिए दिन तो बढ़िया है, दिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इसको समझे। अब आप हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे? जब आप कुछ दिखाने के लिए कोई काम करें, अगर आप दिखावा करने के लिए कोई काम करेंगे तो फेल जरूर हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए काम करेंगे कि आपको वो काम करना है अपने लिए, कभी कभी मैं कहता हूं ना, अपने लिए जिए, दूसरे के लिए मत जिए, तो जब अपने लिए काम करेंगे तो उसमें सक्सीड होंगे। इन चीजों के अलावा इस दिन आपको प्रभावित करना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, थोड़ा सा कूल रहें, लोग जब आपको प्रभावित करने वाली बातें बोलें या आपको इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करें या आपको कोई ऐसा रास्ता बताएं जो आपको बहुत बढ़िया अचानक से एकदम बढ़िया बढ़िया लगने लगे और आपको लगे बस अब तो अपना दिमाग लगाना नहीं, इनने जो बताया उस काम को कर दो, तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहां मैं फंस गया और अब सोचना है, विचार करना है। कम से कम 2 बार सोचें, आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी या आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं और उस इन्फ्लुएंस से आप निकल जाएंगे। 7 जुलाई के दिन आपको सुखद समाचार मिलने की उम्मीद है। दूर रहने वाले किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलना भी संभव हो सकता है, कुछ मामलों में आपका जाना भी हो सकता है। इस दिन अगर आप यात्रा आदि पर जाते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ मित्रों की संख्या इस दिन बढ़ सकती है, परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक सामंजस्य यानी कि सोशल जो तालमेल है, सोशल आपका जो लाइफ है वो और इस्टेब्लिश होगा, बढ़िया होगा, मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर के 7 तारीख भी अच्छा दिन है। 8 जुलाई का जो दिन है ये नई शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन अपने आप को आप एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप अपने बिजनेस में अगर हैं तो एक नया काम शुरू कर सकते हैं या बिजनेस को और अच्छी तरह से कैसे ग्रो कराएं, कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बारे में आइडियाज आ सकते हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन वगैरह की बातें चल सकती हैं या आपको एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में मूव ऑन किया जा सकता है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 जुलाई के दिन चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे। अगर चैलेंजेस से आप भाग गए तो हार जाएंगे, मामला खत्म। लेकिन अगर चैलेंजेस का आपने स्वीकार कर लिया, पहला तो देखिए चैलेंज का सामना करने से पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है, करते हैं ना पहले चैलेंज एक्सेप्ट, चलो फिर हम आएंगे झगड़ा करने तो मतलब कभी कभी होता है ना कि आ जाओ दम है तो लड़ लो, चैलेंज है चैलेंज देते हैं तुम्हें, तो लोग क्या कहते हैं, कहते ठीक है तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है, लेकिन तुरंत नहीं लड़ते हैं, बेवकूफ लोग तुरंत लड़ने लगते हैं, चैलेंज को स्वीकार किया और लड़ाई शुरू, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले चैलेंज को एक्सेप्ट कर दें, जैसे ही आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं उस चैलेंज से लड़ने के लिए। अब जब आप उस चैलेंज का सामना करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, चैलेंज जैसा तो कुछ ही नहीं है, बहुत आसान चीज है। तो इस तरह से समझें दिन आपके फेवर में है। और इसके अलावा अगर कोई नई चीज में आप हाथ डालना चाहते हैं, कोई नया चीज शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपकी कुछ बातें आपके दोस्तों को समझ में नहीं आएंगी और दोस्त आपके बुरा मान सकते हैं, और अगर दोस्त बुरा माने तो आपकी दोस्ती जिस लेवल की हो उस लेवल के हिसाब से उनके साथ डील करें। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप बहुत ही संयमी रहेंगे, सधे हुए रहेंगे और बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति रहेंगे। आपके आचरण से किसी भी प्रकार की कोई कमी पकड़ना पॉसिबल नहीं होगा। आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन इस पूरे दिन रहेंगे। 10 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अगर किसी विषय पर अपनी ओपिनियन देंगे तो वो एक्चुअली काबिले तारीफ होगी। दिन बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब आप पूरे पूरे दिन अच्छा फील करेंगे, आपको खुद में भी अच्छा लगेगा, अरे वाह मेरी पर्सनालिटी तो गजब की हो गई है, तो ऐसा फीलिंग आएगी। 11 जुलाई का जो दिन है, जून तो बीत गया अब जुलाई में आ गए हम, 11 जुलाई का जो दिन है इस दिन दो
चीज़ें आपके साथ होंगी। एक एक्चुअली हाँ ठीक है, दिन के शुरुआत से लेकर के सूरज डूबने के ठीक पहले तक चीजें आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन सूरज डूबने के बाद, यह थ्री ऑफ दी वॉन्ट्स का कार्ड मैं बता दूं, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये कार्ड मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो इसकी नॉर्मल जो इसकी मीनिंग होती है उसमें नहीं आ रहा। तो जो लोग टैरो सीखते हैं वो कभी कभी मुझे थोड़ा फॉलो करते तो उनके लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये कार्ड आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे ये पलटना होगा क्योंकि इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पीछे से रीड नहीं कर सकता। तो ये कहता है कि दिन के शुरुआत से लेकर के, शुरुआत मतलब जब सूरज उगेगा तब से लेकर के सूरज के डूबने से ठीक पहले तक सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी, और आप अगर उस समय अपनी फोरकास्टिंग कर सके, फोरकास्टिंग मतलब अपने नजरिए को थोड़ा दूर ले जा सकें, भविष्य के लिए कोई योजना बना सकें, काम कर सकें, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अदरवाइज सूरज डूबने के बाद आप किसी भी बड़े डिसीजन पे ना जाएं। सूर्य के अस्त होने के बाद जब शाम का समय होगा तो आपको चिंतन मनन इत्यादि में जाना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। शाम के समय सूरज अस्त होने के बाद किसी तरह के इन्वेस्टमेंट, पैसे के लेन देन और प्रॉमिसेस, ये सब चीजें ना करें, और बिजनेस की प्लानिंग वगैरह ना करें। दिन ढलने से ठीक पहले पहले तक आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, आपके लिए फायदा रहेगा, किसी तरह का नुकसान नहीं रहेगा। तो टॉरस, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल, और चूंकि टॉरस का खत्म हो गया, टॉरस मतलब वृषभ जो दूसरी राशि है, इनका खत्म हो गया, और अब टॉरस के बाद आता है मेरी राशि का नंबर मिथुन राशि, जी हाँ जेमिनीज का। तो जेमिनीज आपके लिए जो 5 जुलाई का दिन है, ये ऐसा दिन रहेगा जब आप थोड़ा इनसिक्योर रहेंगे, दूसरों को अपनी टेरिटरी पर आने नहीं देंगे, और बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति इस दिन आपको ज्ञान दे। इन चीजों के अलावा कोई काम आपका लगभग खत्म होने की कंडीशन पर होगा और आप उसको लेकर के डरे होंगे कि खत्म होगा कि नहीं होगा, और अगर ये खत्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और अगर खत्म हो गया तो क्या होगा, मतलब खत्म हो गया तब तो कोई काम ही नहीं बचेगा, फिर मेरा क्या होगा, और अगर नहीं खत्म हुआ तो हाय राम इतना सारा काम कैसे खत्म करेंगे, क्या होगा। ये दोनों कंडीशन जेमिनीज आपके साथ आ सकती है। 6 जुलाई का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, भाग्यकारी रहेगा, किस्मत आपके साथ रहेगी। जी हाँ, व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड आया है जो कहता है किस्मत आपके साथ रहेगी, लेकिन जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, जब किस्मत आपके साथ हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए तो किस्मत आपको धक्का मारेगी और आप उस जगह पर अंदर चले जाएंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझे ना। जैसे सपोज करें कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां से आपको जंप करना है, और अगर किस्मत ने आपको धक्का मार दिया तो गए, तो इसलिए होशियार रहें। 6 तारीख किस्मत आपके साथ रहेगी, होशियार रहना है ताकि किस्मत को सही ढंग से यूज करें। अब पहाड़ी की ओर खड़े हो जाएं, ऊपर पहाड़ नीचे खड़े हो जाएं, जब किस्मत धक्का मारेगी तो आप धड़धड़ाते ऊपर चले जाएंगे, यानी लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। तो जो काम आपका अटका है, जो काम नहीं हो रहा है, वही काम 6 तारीख को करने का प्लान करें, हो जाएगा। 7 जुलाई को पैसे के मामले में थोड़ा सावधान रहें, लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। अगर आप सक्षम हैं और लोगों की जो जरूरतमंद है उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जरूरतमंद क्या होता है समझ रही है, जरूरतमंद वो व्यक्ति है जो आपसे मदद मांगने आया है या आई है, वो व्यक्ति बिल्कुल जरूरतमंद नहीं है जो प्रॉब्लम में है लेकिन अपने ईगो को ओढ़ करके बैठा या बैठी है और आपसे मदद नहीं मांग रहे, तो उनकी मदद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, वो अपनी सिचुएशन से खुद निपट रहे हैं तो उनको निपटने दें, उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन अगर कोई आपकी मदद मांगने के लिए आए और आप सक्षम हैं तो आपको 7 तारीख को मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन उधार मत दीजिए, उधार लीजिए मत। अब आप कहेंगे मदद कैसे करें, उधार नहीं देना, तो अगर आपको पैसे से मदद करनी है तो फिर ये मानकर चलें कि हम तो मदद कर रहे हैं, मदद का मतलब उधार तो होता नहीं है जी, बाद में वो अगर वापस करना आए तो फिर ले लीजिएगा, मना भी मत करिएगा जी, ठीक है। 8 जुलाई का जो दिन है मिथुन राशि, ये आपके लिए बड़ा ही रोमांचक दिन रहेगा, आप बहुत ही पैशनेट इस दिन रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति बड़े सचेत रहेंगे और अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आप बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें एक्चुअली सफल भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये दिन आपके फेवर में रहेगा। 8 तारीख थोड़ा तेज दिन है लेकिन चीजें आपके पक्ष में आ रही हैं। 9 जुलाई का जो दिन है ये एक यात्रा की ओर संकेत करता है, दूसरे टीम लीडिंग की भावनाएं भी आपकी बढ़ेंगी, तो दूसरे ढंग से बता देता हूं। सबसे पहले तो आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा व्यापारिक हो सकती है या जॉब के मामले में हो सकती है। दूसरा, किसी
पुराने दोस्त से मिलने की भी संभावना इस दिन बन रही है। तीसरा, आपको अगर ऑफिस में काम करते हैं तो किसी टीम को हैंडल करने का कार्य दिया जा सकता है, अदरवाइज आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में हैं तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज का जन्म हो जाएगा, इन्हेंसमेंट हो जाएगी और आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में सोच पाएंगे या देख पाएंगे जो पर्सन अपनी लाइफ को बेटर करने के तरीके भी जानता है और दूसरों की लाइफ को बेटर करने के तरीके भी जानता है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है, जेमिनी मिथुन राशि। तो लवर्स के कार्ड की जो पहली मीनिंग आपके लिए आ रही है वो ये कि आपके अपने जीवन साथी के साथ या अपने लवर के साथ में सिचुएशंस बहुत अच्छी रहेंगी, बस किसी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें प्यार में, ये याद रखिएगा। अगर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस दिन आर्कएंजल्स की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आर्कएंजल का मतलब ईश्वर के देवदूतों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ईश्वर एक बार क्षमा कर सकते हैं लेकिन देवदूतों को क्षमा करने की परमिशन नहीं होती है। देवदूत आपकी पनिशमेंट को पनिशमेंट मानते हैं और बिल्कुल देकर ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास यही ऑर्डर होता है। देवदूत उस पुलिस वाले की तरह होते हैं जिसको जज साहब ने कहा है जी इनको उठाकर बंद कर दो। पुलिस वाला सोचेगा नहीं जी बंद करना है तो नहीं बंद करना, बात खत्म। उसने कहा कि मेरे पास ऑर्डर है मुझे बंद करना, तो ये ध्यान रखें। इन चीजों के अलावा आपकी गतिविधियां काफी अच्छी और मनोरंजक रहेंगी। गतिविधियां मतलब आपका जो आचरण पूरे दिन का रहेगा ये काफी मनोरंजक और आकर्षक रहेगा। लोग आपसे खिंचाव महसूस करेंगे और आपके मित्रों की संख्या इस दिन बढ़ने की संभावनाएं भी बन रही हैं। अब बात करते हैं 11 जून की। 11 जून के लिए पेग ऑफ द कप्स का कार्ड आया है जो बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना तो होगी लेकिन आप काफी बचकानी हरकतें भी करेंगे और अपनी बचकानी हरकतों की वजह से आप स्वयं पर भी हंस सकते हैं और दूसरे भी आप पर हंस सकते हैं। तो अगर आप फनी पर्सन हैं और अपने बारे में थोड़े मोड़े मजाक आपको बर्दाश्त हैं तो आपके लिए चीजें बढ़िया हैं, लेकिन अगर ये बर्दाश्त नहीं है आपको तो आप काफी ज्यादा परेशान और तंग होने वाले हैं 11 तारीख को। इन चीजों को छोड़ दें और आगे बढ़ें तो 11 जुलाई के दिन आप नए कार्यों में शुरुआत भी कर सकते हैं और किसी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में आप अपरिपक्व होने के बावजूद कुशलता से हैंडल कर पाएंगे जिस सिचुएशन को अभी हैंडल करना काफी मुश्किल है। तो आपकी क्वालिटी, आपकी इम्प्रूवमेंट और ज्यादा हो जाएगी इस दिन, तो अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार करें मिथुन राशि। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है लेकिन अच्छा है। अब लेते हैं चौथी राशि, कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि, 5 जुलाई का जो दिन आपके लिए है ये अच्छा रहेगा, कुछ नया सीखने की ओर आपको प्रेरित करेगा, अपने आप को नई तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी ये दिन आपको प्रेरित करेगा। बस आप दिखावा करने की कोशिश ना करें, इतना ध्यान रखें। अगर आप दिखावा नहीं करते हैं तो ये पूरा दिन आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए सपोर्टिव है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं रहेगा। और अगर आप दिखावा करते हैं तो आपके दिखावे सक्सेस नहीं होंगे और आपकी इमेज खराब होगी। 6 जुलाई का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में पहले तो आप समझ लें कि सफलता दिखाएगा, दूसरी चीज आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और जब आप कुछ भी कर सकते हैं वाली टेंडेंसी के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा रास्ते मुश्किल हैं और उन मुश्किल रास्तों पर आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ओह थोड़ी दूर तक रास्ता मुश्किल था, बाकी तो अब हाईवे चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए अपने मोरल को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ट्रस्ट को डाउन न होने दें। 6 जुलाई के दिन चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। 7 जुलाई को चीजें आपके पक्ष में रहेंगी लेकिन आपका जो मन है वो थोड़ा सा विचलित सा रहेगा। मतलब आपको जब चीजें पक्ष में आती हैं तो धीरे धीरे मूव करती हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन क्या करता है कि बहुत जल्दी जल्दी चाहता है सब कुछ, तो बस इतना सा ही तालमेल बिगड़ा रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीजों के अलावा सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, दूसरे पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, दूर रहने वाले रिश्तेदार नातेदार से भी मुलाकात की संभावना है, नए कार्यों में सफलता मिल सकती है 7 तारीख को, और कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। और 8 जुलाई का जो दिन है ये धन के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में एक तेजी का भाव दिखाता है, साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में, सही मात्रा में, सही समय पर होंगे। और इन चीजों के अलावा 8 जुलाई का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन धन को लेकर के आप थोड़ा विमुख रहेंगे, मतलब थोड़ा अपोज रहेंगे, अपोज नहीं कहेंगे उसको, अपोज मतलब थोड़ा सा विरुद्ध हो जाता है। धन के मामले में आप थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे ऐसा समझें, और धन को सही ढंग से इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान तो करेंगे
लेकिन डाउट ये है कि अगर एक बार विरक्ति या आपका अलगाव या आपका डिटैचमेंट आपके फाइनेंस से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इस अलगाव की वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करेंगे 9 तारीख की। 9 जुलाई का जो दिन है, इस दिन हर प्रकार से सही रहेगा सब कुछ। दूसरों की मदद करने की टेंडेंसी आपकी बनी रहेगी, लोग आपकी मदद की सराहना और तारीफ करेंगे, आप दूसरों से मिलनसार व्यक्तित्व रखेंगे, लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, चीजें सब कुछ आपके फेवर में है। बस आप अपने जीवन में कुछ पुरानी कड़वी यादों को याद करके थोड़ा थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे और वो सब परेशानी अपने पास रखेंगे, आप स्प्रेड नहीं करेंगे, तो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 जुलाई के दिन आप संयमी व्यक्ति रहेंगे, शांत रहेंगे, हलचल विहीन रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं समझते, आप बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन इस दिन ना बोलने वाला मूड आपका हो सकता है, तो इस मूड स्विंग की वजह से आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो आप बोलें जरूर, वहां चुप ना रहें, और जब जरूरत ना हो तो चुप रहें। जब अपने आप को इस तरह की मेंटेलिटी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ये चीज आपके लिए थोड़ी आसान और खेल जैसी बन जाएगी। इन चीजों के अलावा आप अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा 10 तारीख को। 11 जुलाई का जो दिन है, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तरोत्तर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और मिलती चली भी जाएगी, यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, आपको बस संतुलन थोड़ा बनाए रखने की जरूरत है, अदरवाइज किसी प्रकार की प्रॉब्लम 11 तारीख को नहीं हो रही है। नए कार्यों में सफलता भी दिखती है, पुराने कार्यों में भी सफलता दिखती है, हर प्रकार से दिन आपके पक्ष और आपके फेवर में है। अब बात करते हैं हमारी पांचवी राशि की, जो है सिंह यानी कि लियो। सिंह राशि 5 जुलाई का जो दिन है, ये थोड़ा आक्रामक रहेगा, अपनी इमेज बनाने की दिशा में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपनी सफलता के चक्कर में अपनी इमेज खराब न कर दें, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी किसी प्रकार की समस्या 5 तारीख को नहीं होगी। 6 जुलाई का दिन सिंह राशि द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, द्विपक्षीय मामले जो धन से जुड़े हों उसमें भी सफलता दिलाता है, पति पत्नी के मामले, प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले में भी ये सफलता की ओर ही इशारा करता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले में सफलता का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का लाभ उठा लें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है, अकेले होलसोल आगे बढ़ें और सोचे सफल हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऐसी कंडीशन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी बनेगी। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आप अपनी आय के साधन के बारे में थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो एक नया साधन भी आपको सूझ सकता है। 7 जुलाई के दिन आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग जीवन बनाए रखने की जरूरत है, अगर आप बैलेंस को थोड़ा भूल जाएंगे, बैलेंस आपके जीवन से बिगड़ जाएगा तो चीजें काफी हद तक खराब हो जाएंगी, तो 7 तारीख को अपने आप को इस चीज के लिए मोटिवेट करें, मोल्ड करें कि जीवन में जो चीज आपके इम्बैलेंस हो गई है उनको बैलेंस करें, दूसरों को प्रॉमिस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा 7 तारीख को, और किसी भी व्यक्ति के प्रॉमिस को अगर किसी को आपने पहले प्रॉमिस कर रखा था तो कम से कम इस दिन 7 तारीख को वो प्रॉमिस ना तोड़ें। 8 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आप प्रॉमिस तोड़ सकते हैं तुरंत आ गया, हाँ मतलब प्रॉमिस ना तोड़ने के बाद बता दिया कि कब तोड़ सकते हैं, तो 8 जुलाई को प्रॉमिसेस तोड़ सकते हैं। 8 जुलाई का दिन आपके लिए तनाव का, परेशानी का, नफरत का, घृणा का, नई उमंग का दिन रहेगा। जी हाँ, नई उमंग का भी दिन रहेगा, ऐसा नहीं है, जब चीजें खत्म होती हैं तो नई चीजें आती हैं, ठीक है, शरीर जब मर जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, तो पुराना जाता है और नया आता है, ये संसार का नियम है। जब एटम को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ते हैं तो फिर एनर्जी छूट जाती है, निकल जाती है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी, इसीलिए टैरो कार्ड्स को कहते हैं टैरो एनर्जी बेसिस हैं। जो एक चीज मैं यहां बता दूं, जो कहते हैं ना कि टैरो एनर्जी बेसिस हैं, दैट मींस कि आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी दो है, एक करंट और एग्जिस्टिंग, उन दोनों ही एनर्जीज के बेसिस पे टैरो चलता है, मेरा तो ऐसा ही चलता है, बाकियों का मैं नहीं जानता। तो आपकी करंट एनर्जी से थोड़े मोड़े परिवर्तन आ सकते हैं, बहुत बड़ा विशेष परिवर्तन नहीं आता है। हाँ, आपने अगर कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय आपको सजेस्ट किए गए हैं या आपने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए हैं तो उसकी वजह से चीजें परिवर्तित हो सकती हैं, तो खैर, तो इस तरह से समझें दिन आपका बढ़िया रहेगा ये 8 तारीख, और 8 तारीख को अगर कुछ ऐसा होता है जो आपके फेवर में नहीं होता तो उसे ईश्वर की कृपा और अनुकंपा मान करके शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें, जितना ज्यादा आप स्वीकार की भावना रखेंगे उतना जल्दी
उस समस्या से भी निकल जाएंगे और चीजें आपके फेवर में वापस भी आ जाएंगी। 8 के बाद 9 तारीख की बात करें तो 9 जुलाई के दिन आप द्विपक्षीय मामलों में सफलता अर्जित करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। पति पत्नी के संबंध बड़े बढ़िया और उत्तम बनेंगे। जीवन साथी के अलावा प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध भी बढ़िया रहेंगे। कुल मिलाकर एक दूसरे के आप पूरक रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ का आनंद भी लेंगे। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 जुलाई के दिन आप कुछ ऐसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं जो समस्याएं आपने स्वयं बुलाई हो। आबल मुझे मार वाली कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहें। हो सकता है कि कुछ चीजें पोस्टपोन हो रही हैं, तो हो जाने दीजिए 10 तारीख को। हो सकता है कुछ चीजें आपको लगता हो कि वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो अगर कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो आप उसे दौड़कर पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़ में नहीं आएगी ना। आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, जल्दी से नहीं कर सकते, अगर दौड़ेंगे तो गिर भी सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा संभाल कर चलें। चीजें आपके फेवर में एक्चुअली नहीं है 10 तारीख को। और मैं पॉजिटिव क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है ना, मतलब निगेटिव ही है, तो इसलिए पॉजिटिव नहीं बताया। आप सोच रहे होंगे अरे पॉजिटिव तो बोला ही नहीं जी आपने, नहीं है 10 तारीख को पॉजिटिव नहीं है। दिन को निकलने दें, कोशिश करें कि इस दिन ज्यादा हलचल ना करें। 11 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, अपेक्षा करें 10 तारीख के बिल्कुल उलट और बेहतरीन रहेगा। और 11 जुलाई के दिन आपके सामाजिक संबंधों में और सुधार और वृद्धि होने की संभावना है। आपकी इमेज में जो वृद्धि होगी उसका आपको पर्सनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में आपको लाभ मिलने की संभावना है। घर के पुरुष सदस्यों की ओर से भी आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो यह था साप्ताहिक राशिफल लियो यानी सिंह राशि का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गो। वर्गो 5 जुलाई का जो दिन आपके लिए है ये बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए काम ज्यादातर पूरे हो जाएंगे। अगर आप महिला हैं तो आपके सम्मान में वृद्धि होगी, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके द्वारा महिलाएं जल्दी प्रभावित हो जाएंगी ये अच्छी बात है। खैर अब दोनों के लिए बता रहा हूं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। आप इस दिन थोड़ा सा नेचुरल चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित रहेंगे, आर्टिफिशियलनेस आपको कम पसंद आएगी। दैट्स व्हाई आपको वो लोग जो बनावटी हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, और जो लोग थोड़ा सा नेचुरल हैं, जेन्युइन हैं, जैसे हैं वैसे पेश आते हैं वे आपको ज्यादा पसंद आएंगे। दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, किसी भी तरह की कोई समस्या इस दिन नहीं होने वाली है। 6 जुलाई के दिन आप अपने आप को काफी ज्यादा रोमांचित पाएंगे, काफी पैशनेट भी पाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्यों में तेजी आएगी, और इस वजह से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सही तरीके से गतिमान हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 7 तारीख को किस्मत आपके साथ रहेगी, भाग्य का कार्ड आपके लिए आया हुआ है, और इस दिन भाग्यवश कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपके लिए फेवर करेंगी, फायदा लाएंगी। तो इस तरह से समझे दिन आपके फेवर में रहेगा, और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये दिन 7 जुलाई का विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। 8 जुलाई का दिन आपके लिए थोड़ा सा ऐसा दिन होगा जब आपको अपने ऊपर और ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है, और साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा रिस्क की ओर धकेलने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे अननोन की ओर, जैसे कभी कभी होता है ना लाइफ में कि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, लेकिन अपने ऊपर अगर विश्वास है तो वो जो नहीं जानते क्या होने वाला है वो आपके फेवर में आ जाएगा, लेकिन अगर अपने ऊपर विश्वास कम होगा तो चीजें आपके फेवर से बाहर भी जाएंगी। इस दिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए बेहतर दिन भी है और बेहतर दिन नहीं भी है। अगर आपका विश्वास अपने ऊपर, आत्मविश्वास अच्छा खासा है तो दिन बेहतर है, अगर आपका विश्वास कमजोर है तो दिन बेहतर नहीं है। 9 जुलाई के दिन आप कुछ नया करने की दिशा में अपने आप को आगे ले जाएंगे, कुछ साबित करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि परिपक्वता इस दिन कम रहेगी, कार्यों में डिले हो सकता है। अगर आपने कोई प्लान बनाया है और उस पर काम करना चाहते हैं तो पूरा पूरा प्लान डिले में जा सकता है या शुरू ही ना हो, ऐसी कंडीशन आ सकती है। इन चीजों के अलावा आपको प्रभावित किया जा सकता है, आपसे 15 वर्ष बड़े उम्र का जो पर्सन होगा वो आपको प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी योजनाएं न बताएं जिस व्यक्ति के बारे में आपका मन कहता है कि इसे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि माइंड कहता है कि अगर इस पर्सन को हम बता देते हैं तो ये हमारा बड़ा फायदा कर सकता है,
तो अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वहां आपके खुद इस्तेमाल हो जाने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं 10 तारीख की। तो 10 जुलाई का दिन काफी आक्रामक रहेगा। इस दिन आप स्वार्थी व्यक्ति रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे। इतने ज्यादा केंद्रित रहेंगे कि 6 तारीख के मुकाबले दुगुना तिगुना केंद्रित रहेंगे, और आपके लक्ष्य के बीच में यदि कोई व्यक्ति आता है तो आप उसका परवाह नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बात है, आपको स्वार्थी रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन 10 तारीख को स्वार्थी रहना आपके लिए काफी फायदेमंद है। इस दिन बिल्कुल भी निस्वार्थ की भावना न रखें, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह केंद्रित रहें। हालांकि इस दिन आप अगर किसी का परोपकार इत्यादि करने की कोशिश करते हैं तो आपको नुकसान होगा, इसलिए शांत बने रहें और अपने फायदे की सोचें। 11 तारीख को थोड़ा सा डिप्रेशन की कंडीशन आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने कार्यों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति सचेत रहे और आगे बढ़ते रहे तो सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लोग आपको रोकेंगे, रास्ते एक तरह से रास्ते मतलब सिचुएशन आपको रोकेंगी, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने के लिए ठान चुके हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कन्या राशि, आपके लिए यह था वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। अब लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा। लिब्रा आपके लिए 5 जुलाई का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में असफलता लेकर के आएगा, इसलिए अपने आप को संयम में रखें, शांत रहें, झगड़े की कंडीशन में ना जाएं। कोशिश करें द्विपक्षीय मामले टाल दें। जितने ज्यादा द्विपक्षीय मामले टालने का प्रयास करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। प्रेमी प्रेमिका और हस्बैंड वाइफ इस दिन आपस में झगड़ सकते हैं 5 तारीख को, इसलिए थोड़ा सतर्क बने रहें। 6 जुलाई का दिन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा लिब्रास, और इस दिन आपने अगर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। इसके अलावा आपके द्वारा सोचे गए और आपके द्वारा किए गए कार्यों के सर्वत्र सराहना भी होगी, तो आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा। बस अगर आपने चैलेंजेस को स्वीकार नहीं किया, और चैलेंजेस भी वो जिनके बारे में आपको पता है कि ये आपकी पहुंच में है, श्रेणी में है। अब ऐसा नहीं कि कोई छत से छलांग लगाने का चैलेंज दे और आप स्वीकार करके कूद जाए, वो नहीं करना है। तो जो आपकी पहुंच में है वो चैलेंजेस अगर आप स्वीकार करते हैं तो सफलता आपकी कहीं गई नहीं है। 7 जुलाई के दिन इन्फ्लुएंसर पर्सन आप रहेंगे, लोगों को अच्छी तरह से मैनिपुलेट करना आपको आएगा, चीजों में अपनी राय देना, अपनी ओपिनियन देना, बढ़ चढ़ करके आगे आना आपका नेचर इस दिन रहेगा। 7 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आप को बदल भी सकते हैं, अपनी आदतों को भी परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरों को भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं, या आदेश करके अपना काम निकलवा सकते हैं। कुल मिलाकर दिन आपका है, आप इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड आप पर करता है, लेकिन कोशिश करें कि दूसरों का नुकसान ना हो, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट आपको मिलता नहीं दिख रहा है। 8 जुलाई का दिन आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में किसी एक को चुनने की दुविधा लेकर के आ रहा है। जब दो चीजें होंगी, किसे चुने किसे ना चुने, इस मामले में आपको चाहिए दिल की सुने, अपने दिमाग की बात को बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि कई बार दिमाग कैलकुलेशन कर देता है और आप अपने लाभ के प्रति झुक जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो यहां जो सत्य है, जो न्यायप्रिय है, उसके साथ जाएं, बिल्कुल स्वार्थी होने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट्स की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये चीज बिल्कुल न्याय संगत है तो उसका साथ दें, उसी ओर जाएं, उसी चीज को चुनें, क्योंकि उस ओर भले ही चीजें उतनी फायदेमंद ना दिख रही हों, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर में चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। 9 जुलाई की बात करते हैं। 9 जुलाई एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया में होंगे, लेकिन समस्याएं छोटी नहीं है, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने की स्थिति आएगी। आपको चाहिए कि आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन मान के चलें जो समस्याओं का न सिर्फ निवारण कर सकता है या कर सकती है, बल्कि उन समस्याओं में अपने लाइफ के स्पैन को ढूंढ सकता है। मतलब आपकी जो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, जो अच्छी चीजें लाइफ में है उनको भी आप ढूंढ सकते हैं। कुल मिलाकर समस्या में भी आप प्रसन्न रह सकते हैं, ऐसे माने जैसे कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो सुख और दुख में समान रहता है, तो जो दुख में समान रहता है, शांत रह सकता है, वह व्यक्ति अगर आप बन जाते हैं तो आपके लिए ये दिन काफी फायदेमंद होगा। 10 जुलाई बहुत बढ़िया दिन होगा। अगर आपके विवाह के बारे में किसी प्रकार की बातचीत घर में चल रही थी तो उसमें तेजी आने की संभावना है, और अगर आपकी आयु विवाह के योग्य हो गई और अभी तक विवाह की बातचीत नहीं चली है तो आज यानी कि 10 जुलाई को आपके परिवार में आपके विवाह के बारे में परिचर्चाएं चल सकती हैं या कहीं से कोई रिश्ता आ सकता है। इनके अलावा व्यापारिक मामलों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा, आर्थिक उन्नति के लिए दिन बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर दिन बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं है।
11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई का जो दिन है ये आपके लिए सिस्टमेटिक प्रोग्रेस का दिन होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपके फेवर में आएंगी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ते हैं तो चीजें आपके विरुद्ध भी जा सकती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा ना एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ें, वही आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो लिब्रास, ये था आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 जुलाई के लिए। आठवीं राशि लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 जुलाई का जो दिन है बढ़िया रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी इस दिन बढ़ेगी, ईश्वर की ओर आप मुड़ेंगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। इन चीजों के अलावा सात्विक कार्यों से, नैतिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से आपको प्रगति होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, और अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपना काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्वार्थी मत बनिएगा इस दिन। देखिए, मैं स्वार्थी ना बनना भी बताता हूं, जब जरूरत होती है तो बताता हूं स्वार्थी बन जाइए। 6 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आप आर्थिक समस्या का सामना करेंगे, लेकिन ये जो समस्या है, देखूं मैं अगले दिन जा रही कि नहीं, नहीं जा रही है तो इसको यहां रखते हैं, ठीक है। 7 तारीख का कार्ड, 6 तारीख को छोटी मोटी सी आर्थिक समस्या आएगी जो अगले दिन तक स्प्रेड बिल्कुल नहीं हो रही, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं, एक दिन में समस्या खत्म हो जानी है। तो जो कि समस्या एक दिन में खत्म हो रही है, इसलिए किसी से उधार ना लें, अपने धन को लेकर के बहुत ज्यादा उल्टे सीधे डिसीजन ना लें जो आपके लिए नुकसानदेह हो, किसी को उधार दें भी ना, कोशिश करें शांत बने रहें, जितना शांत रहेंगे हलचल कम करेंगे समस्या उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और हाँ, बस इतना ही है 6 तारीख को। 7 तारीख की बात करें तो आप एक सेटिस्फैक्ट्री मोड में होंगे, चीजें आपके पक्ष में होंगी और दिन आपके लिए बहुत ही सूटेबल और सुगम होगा। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कई सारे कार्य पूरे होने की संभावना है, नए कार्यों में सफलता, पुराने कार्यों में सफलता, ये सारी चीजें इस दिन मिल रही हैं। पारिवारिक मामलों में भी आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 8 तारीख का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपको दूसरों की मुसीबतें अपने सिर पर नहीं लेनी चाहिए, पहले अपनी समस्या का निवारण करें फिर दूसरों की समस्या के बारे में सोचें। इन चीजों के अलावा अगर आप ऐसी सिचुएशंस को या ऐसी परिस्थितियों को आमंत्रित करते हैं जो आपके लिए फेवर में नहीं है, यानी आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन नहीं लाते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और अगर आप आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए चुटकी बजाने जैसा काम होगा, मुसीबतें आपका इंतजार कर रही होंगी। तो 8 तारीख को, 7 तारीख को समस्या नहीं है, 8 तारीख को समस्याएं अगर आप बुलाते हैं तो आपके पास सहज ही चली आएंगी, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। स्कॉर्पियोस, 9 जुलाई के दिन आप थोड़ा रूढ़ रहेंगे, आपका व्यवहार थोड़ा सा रूखा रहेगा, आप इंट्रोवर्ट तो नहीं रहेंगे लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि इस समय आप काफी ज्यादा अंतर्मुखी हो गए हैं। आपको चाहिए कि अपने लक्ष्य, अपने गोल के प्रति केंद्रित रहें, उन चीजों के प्रति जिनके बारे में आपने सोचा था काम करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें और वर्तमान में अपने ऊपर थोड़ी सी सख्ती करें। रूड नेचर है तो थोड़ा अपने ऊपर भी रूडनेस ला दें तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। 10 तारीख की बात करते हैं, 10 जुलाई के दिन आप दूसरों के तानों के शिकार हो सकते हैं, इस वजह से ज्यादा लोगों की परवाह ना करें। पॉइंट नंबर टू, जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी भी कभी जरूरत पड़ती है तो हेल्प करने की कोशिश करें ताकि वे आपके एहसान के बोझ के नीचे दबना शुरू हों और आपके खिलाफ काम बंद करें। फेवर करें तो उनको बताएं कि आप मेरे विरुद्ध हैं लेकिन आज आपको जरूरत पड़ी है तो मैं आपकी मदद कर रही हूं या कर रहा हूं, बता के करें। बुद्धू बन के नहीं करना है कि अच्छा अब आपकी गाली भी आप सुन रहे हैं उससे और उसने मदद मांगी तो आप मदद करने भी पहुंच गए, नहीं, उसको बताएं कि आपने मुझे गाली दी थी तो मैंने आपकी गाली का बुरा नहीं माना है लेकिन आज आपको जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए हूं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप मेरे खिलाफ ना जाएं। तो वहां पर चूंकि उसे आपकी मदद की जरूरत है तो वो तो हां जी हां जी हां जी प्यारा प्यारा मुंह बना करके आपकी बात मान लेंगे, तो उस चीज को समझें। और जब वो व्यक्ति आपके फेवर में आ जाए तो बढ़िया है, और अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो उस व्यक्ति को ये बताना भी आपका ही काम है, बाद में भी आपका ही काम है बताना कि अब दोबारा पहली चीज तो आपका फेवर नहीं मिलेगा और दूसरी चीज अगर मौका मिल गया तो आप पनिशमेंट भी देंगे। अब पनिशमेंट कैसी देंगे उसके बारे में कोई बड़ी बड़ी बातें ना करें, ये समय पर छोड़ दें कि ठीक है समय बताएगा कि मैं क्या पनिशमेंट दूंगा, जब ईश्वर तय करेंगे और पनिशमेंट अगर मेरे हाथ से होनी है तो आपको मिलेगी, और अगर ईश्वर खुद देंगे आपके कर्म का दंड तो फिर मैं देखूंगा और आनंद भी लूंगा। ठीक, 11 जुलाई का जो दिन है, इस दिन फिर से धन को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा
12 जुलाई तक ये नहीं जा रहा, तो एक दिन में ये समस्या भी खत्म होगी और सामना ऐसा करना पड़ेगा कि धन आपके हाथ में होगा लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। किसी को उधार ना दें इस दिन भी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस दिन बिल्कुल भी ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। खरीदारी उधार में ना करें। 11 जुलाई एक ऐसा दिन है जब आपको नई योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, नए कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए और अपने धन को बहुत ही संभाल करके खर्च करना चाहिए। और अगर धन की कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का निवारण करने की बजाय चीजों को थोड़ा सा टालने की कोशिश करें। होता है ना कभी कभी आज बड़ी प्रॉब्लम, तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं कल देखेंगे, तो ऐसा कर दें कल समस्या खत्म हो चुकी होगी। तो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो आपके लिए ये था 5 से 11 तारीख का होरोस्कोप। नवी राशि लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि। धनुराशि आपके लिए 5 जुलाई का जो दिन है थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, उत्सुकता से भरा भी रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा उत्सुकता से भरा भी रहेगा। नई नई चीजें, नई नई उम्मीदें आपके लिए इस दिन आ रही हैं और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी आपको प्राप्त हो रही है। तो आप इस दिन बिल्कुल भी निराश ना हो, हताश ना हो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें, दिन आपके फेवर में रहेगा। 6 जुलाई का जो दिन है नए कार्यों में सफलता दिखाता है, नई योजनाओं में सफलता दिखाता है, आपके मन में भी कई सारी नई योजनाएं आएंगी। तो इस दिन अपने आप को इन्वॉल्व करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में सफलता इस दिन आपको जरूर मिलने वाली है। व्यापार और जॉब के क्षेत्र में भी आपके कार्यों की सराहना होगी और सफलता मिलेगी। 7 जुलाई का जो दिन है ये आपके मिलनसार व्यक्तित्व को और ज्यादा बढ़ाएगा, निखारेगा। आपका मिलनसार व्यक्तित्व आगे बढ़ करके, मतलब इस व्यक्तित्व में और इम्प्रूवमेंट ये होगी कि आप अपने उपलब्धियों को, अपनी चीजों को जो आपने अचीव करी है लाइफ में, उन्हें सेलिब्रेट करेंगे लोगों के साथ में, एंजॉय करेंगे। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक सी है कि आप थोड़ी सी पुरानी बातों को याद करके खुद को मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास करेंगे, तो वो एक चीज ना करें। देखिए, जो चीजें आपने बनाई हैं, जहां तक अपनी लाइफ में कवर किया है, जहां तक अचीव किया है, वहां तक बहुत है। उसके आगे जो नहीं किया है उसके बारे में ज्यादा सोचिए नहीं, वो फ्यूचर है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अरे मैंने पास्ट में ही ये कर लिया होता तो बहुत बढ़िया रहता, तो भैया पास्ट तो खत्म हो गया, इसको सोचने का कोई फायदा नहीं है, तो इस चीज से बचें। 8 जुलाई का दिन जो आपके लिए रहेगा ये धन के मामले में सफलता दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ धन का खर्चा भी दिखाता है, वो भी अपने ऊपर। आप अपनी जरूरत की और अपनी गैर जरूरत की चीजों में भी खर्चा कर सकते हैं। जैसे मान के चलें कि कोई चीज 100 रुपए में मिल सकती है लेकिन वही चीज किसी अदर ब्रांड में 500 रुपए में मिलती है, तो आपको अदर ब्रांड वाली ज्यादा अच्छी लगेगी तो ये थोड़ा समझें, इस चीज से थोड़ा सावधान रहना है। दूसरे बड़े आक्रामक इस दिन रहेंगे, पैसे को पकड़ कर चलने की कोशिश करेंगे, अपने मामले में खुले हाथ रहेंगे लेकिन अदर लोगों के मामले में तंग हाथ वाला काम रहेगा। तो कैसा कैसा बिहेव आपको रखना है इसके बारे में आप खुद से डिसाइड करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। सफलता के लिए दिन बढ़िया रहेगा 8 तारीख, और नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन ठीक ठाक रहेगा। परिवार के साथ इस दिन समय भी बिता पाएंगे और परिवार के ऊपर भी खर्च करेंगे। 9 जुलाई का जो दिन है ये सिस्टमैटिक प्रोग्रेस का दिन है। इस दिन आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसके लिए सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं तो पहुंच जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि वो लक्ष्य एक दिन का हो, शुरुआत यहां से कर सकते हैं, आगे उसी पैटर्न पर कॉपी करते रहें और उस पैटर्न को चलाते रहें, तो फिर कीप स्विमिंग करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इन चीजों के अलावा सोचे समझे गए कार्यों में जो सुधार कर रहे हैं आप, या सोची समझी गई सिचुएशंस में, सोचे समझे गए रिलेशन में अगर कुछ सुधार करते हैं सेजिटेरियस, तो उन सुधार की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। 10 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा, द्विपक्षीय सफलता दिखाता है, द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत बढ़िया उत्तम दिन है। अगर आप अपने प्रेम संबंध को अगले स्टेप पर ले जाना चाहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन वालों के लिए ये दिन अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे और एक दूसरे को खुश रखेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं, अच्छा ये जो खुश रखेंगे वाला मामला था 10 तारीख को, इसमें ये भी इन्वॉल्व आ रहा है कि इस दिन आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए अगर कोई काम करते हैं तो सफल भी होंगे। और 11 तारीख को आप किसी ऐसे काम को पूरा कर पाएंगे जो पिछले काफी समय से चल रहा था, और उस काम के पूरा करने के बाद होने वाली निराशा भी आपके हाथ आएगी कि अब तो ये काम खत्म हो गया, अब क्या करें, तो कोई काम नहीं बचा तो एंजॉय कर लें। ठीक है, बाइबल में कहानी है कि ईश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन उसने आराम किया मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा एंजॉय कर लें लाइफ को,
थोड़ा सा स्मूथ होने दें और भविष्य के प्रति फिर से नई तैयारी करने का प्लान करें। इस दिन आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप कुछ एडिशनल कामों के बोझ से दब गए हैं, कुछ ऐसा भी फील हो सकता है या ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपको ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में या जॉब में या बिजनेस में या घर पर कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाए, ऐसी जिम्मेदारी आपके सिर पर आ जाए जो जिम्मेदारी एक्चुअली आप नहीं उठाना चाहते, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, आपको करना पड़ेगा। और अगर आप उसे मजबूरी के तौर पर करते हैं तो फिर परेशान रहेंगे, और अगर उसे इस तरह से करते हैं कि ठीक है इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर लेंगे तो फिर उसमें एंजॉय भी कर लेंगे और जिम्मेदारी पूरी भी हो जाएगी। तो सजिटेरियस, ये था आपका वीकली होरोस्कोप राशिफल 5 से 11 जुलाई के लिए। अब बात करते हैं सजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। तो मकर राशि 5 जुलाई का जो दिन आपके लिए है बढ़िया रहेगा। इस दिन आप परिवार के साथ बहुत खुश रहेंगे, पारिवारिक खुशी का ये दिन रहेगा। तो अगर जरूरत पड़े तो 5 तारीख को छुट्टी ले लें, अगर जॉब वॉब करते हैं तो झूठ मूठ के बीमार हो जाएं और अगर बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस आर्स को थोड़ा सा कंज्यूम करने की, मतलब कम करने की, कंज्यूम नहीं एक्चुअली कम करने की कोशिश करें ताकि सुबह का ज़्यादा हिस्सा परिवार को मिल जाए, शाम का ज़्यादा हिस्सा परिवार को मिल जाए और आप परिवार के साथ अपने समय को एंजॉय कर सकें। ये छुट्टी लेने की एडवाइस मैं इसलिए कह रहा हूँ, झूठ भी बोलना पड़े तो बोल नहीं, वो इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ कंपनीज के बॉस भी सुन रहे हैं और उनका लगे कि अरे आज मंडे को फला एम्प्लॉय नहीं है, कैप्रिकॉर्न तो नहीं है ये, कृष्णा ने बताया था, इसने झूठ मूठ में बीमार होने का बहाना किया। तो एक्चुअली उस छुट्टी की जरूरत आपको इसलिए ताकि मेंटली आप और ज्यादा फिट हो सकें, तो इसलिए इस छुट्टी को लें या थोड़े से वर्किंग आवर्स चुरा लें और परिवार के साथ समय बिताएं। ये नहीं कि वर्किंग आवर्स चुराए और अकेले चले गए मूवी देखने, दोस्तों के साथ निकल गए, नहीं, ये नहीं करना है, परिवार के साथ जाना है, ठीक है। 6 जुलाई का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे दिन के शुरुआत से ही, और इनसिक्योर फीलिंग शाम तक बनी रहेगी। अगर इस इनसिक्योर फीलिंग के साथ आप रहते हैं तो कुछ भी करने में कतरा जाएंगे, डर जाएंगे, हिचकिचा जाएंगे और दिन का कोई आउटपुट निकलेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस इनसिक्योर फीलिंग को परे रख देते हैं या पीछे कर देते हैं कि ठीक है मेरा मन इनसिक्योर है तो होने दो, बाकी काम अपनी जगह, मन की इनसिक्योरिटी अपनी जगह, ओके मन जी आप इनसिक्योर हैं रहिए, तो आप अलग हो जाएंगे, अपने मन से डिटैचमेंट महसूस करेंगे। जैसे ही डिटैचमेंट महसूस करेंगे, आप महसूस करने लगेंगे, तुरंत फील होने लगेगा कि चीजें आपके पक्ष में हैं और आप एक्चुअली आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 7 जुलाई की। 7 जुलाई का जो दिन है, गिरा हुआ कार्ड नहीं लेंगे, 7 जुलाई का जो दिन है, जिस कार्ड को नहीं आना होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। जैसे मैं कभी कभी शफलिंग करता हूं, मेरे हाथ से कार्ड गिर जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि शफलिंग कंप्लीट नहीं है, फिर से करिए, ठीक है। तो 7 जुलाई के दिन अब जो ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ द कप्स का, ये बताता है कि संयम बरतें, और हालांकि आप संयमी रहेंगे लेकिन संयम रखें भी, जहां जरूरत हो वहां बोले, जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहें, सुने, सुनना बहुत बड़ी कला है और इस कला को अपनाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अपनी ओपिनियन बिल्कुल नहीं देने की जरूरत है, राय देने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ गलत कर रहा है करने दीजिए, कोई एक ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिसमें उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आपके पास रास्ता है, बताने की जरूरत नहीं है, वेट करें एक क्वीन की तरह। क्वीन क्या करती है, क्वीन वेट करती है। जब आप क्वीन के पास या किंग के पास जाते हैं, महाराज ये समस्या है, तो महाराज उस समस्या का या क्वीन उस समस्या का सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं जाते हैं, क्वीन एंजॉय करती हैं, आराम से खुश रहती हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वीन की तरह रहना है, खुश रहिए, शांत रहिए, कोई किसी समस्या में है उसे समस्या में रहने दीजिए, ये उसकी प्रॉब्लम है। हो सकता है वो पर्सन उस समस्या को टैकल कर रहा हो या कर रही हो और उस समस्या का समाधान खुद से कर ले, आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एबिलिटी को इन्हेंस भी होने दें। अगर जरूरत होगी तो वो आपकी हेल्प मांगेंगे और तब हेल्प करिएगा। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 जुलाई का जो दिन है ये आपके फेवर में नहीं है। 8 जुलाई के दिन आपको नुकसान हो सकता है, धोखा दिया जा सकता है, इस तरह का नुकसान हो सकता है, आपका कोई काम पूरी तरह से ठप हो सकता है, रुक सकता है, आपकी कोई योजना पूरी तरह नष्ट हो सकती है। तो इसलिए इस पूरे दिन को सरक जाने दें, चुपचाप निकल जाने दें, हस्तक्षेप ना करें, शांत रहें। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और अगर आप नहीं जाएंगे तो जो आपके अंडर वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वो उस काम को आपकी गैर हाजिरी में संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, और संभाल तो लेते ही हैं, तो छुट्टी ले लें, घर पर बैठ जाएं, टीवी देखें, एंजॉय करें, मेरा शो देख लें प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोस हैं उनको देख लें, खैर जरूरी नहीं यही देखें, आप गाना भी सुन सकते हैं, डांस भी देख सकते हैं यूट्यूब पर या टीवी पर, जो मर्जी करें वो करें,
कुल मिला के इस दिन को सरकाएं, निकालें, चुपचाप खिसक जाने दें इस दिन को। जितना आसानी से इस दिन को खिसक जाने देंगे उतना बढ़िया रहेगा। दूसरे सावधानी क्या रखनी है, लोगों से काम करवाएं नहीं, खुद से करें। और अगर कोई काम लोग कर रहे हैं आपके लिए, पहले से चल रहा है, आपने टीम बना दी है, टीम काम कर रही है, तो टीम को करने दें, उसमें खुद जाकर इंटरफेयर ना करें, क्योंकि आप ही हैं जो जाकर खराब कर देंगे। और अगर कोई नया काम है किसी और को दिया तो वो जाकर खराब कर देगा, इसलिए सावधान रहें। लोगों पर भरोसा कम करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर ना करें, पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आप काफी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने धन, अपने व्यापार, अपने जॉब के मामले में आगे बढ़ने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे और उसमें सफलता की ओर आगे भी बढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी एक यात्रा के भी संयोग बन रहे हैं, किसी पुराने मित्र से मुलाकात के भी संयोग बन रहे हैं। और इस दिन 9 तारीख को आप अगर चाहेंगे तो आर्थिक मामलों में कैसे और ज़्यादा सफलता अर्जित करें इसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, और वो प्लानिंग आपके एक्चुअली बहुत काम आने वाली है। 10 जुलाई के दिन आप काफ़ी आक्रामक रहेंगे, लेकिन इस दिन अपनी इमेज को किसी भी कीमत पर ताक पर नहीं रखना है। अपनी इमेज बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करें, इमेज आपका बहुत कुछ है और इमेज बिल्डिंग के लिए ये दिन सबसे सूटेबल है 10 तारीख का। साथ ही साथ इमेज के साथ साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी ये दिन बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, किसी तरह के नुकसान नहीं है इस दिन। और चूंकि आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, काफ़ी अटैकफुल रहेंगे, इसलिए चीज़ें आपके फेवर में जल्दी जल्दी मूव होंगी। 11 जुलाई की बात करते हैं तो इस दिन आप एक ऐसी समस्या का सामना करेंगे जिससे मिलती जुलती समस्या का सामना आप पहले भी कर चुके हैं, तो उस तरह की समस्या से चूंकि आप पहले निकल चुके हैं, निपट चुके हैं, इसलिए आपको अपने मन को सबसे पहले यही समझाना है कि इस तरह की समस्या को मैं फिर से निकाल लूंगी। और जैसे ही आप ये समझाती हैं कि अपनी इस समस्या को आप निकाल ले जाएंगी, आप आगे बढ़ सकती हैं। और एक बार जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि समस्या इतनी मुश्किल नहीं है। दूसरे, याद रखिएगा कि जब तक हो सकता है कि सेम समस्या से कोई और भी रूबरू हो, तो जब तक आप समस्या से नहीं निकल जाते, ज्ञानी बनकर के उस पर्सन को एडवाइस ना करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 जुलाई के लिए। अब बात करेंगे हमारी 11वीं राशि एक्वेरिस यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि, आपके लिए 5 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, नया काम सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, समाज में अपनी इमेज बनाने के लिए, नए सिरे से इमेज बनाने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा, किसी काम को शुरू करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। सब कुछ अच्छा है, आपके फेवर में है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब कोई आपको कुछ एडवाइस करे कि इसकी बजाय ये कर लो, हवाई जहाज हो जाएगा, तो समझ जाइएगा कि अब गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर लग गया, ठीक है। अगर कोई आपको यह समझाता है कि ठीक है, आप जिस रास्ते पर हैं चलें, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, तो वो राइट नंबर है। लेकिन अगर कोई शॉर्टकट बताता है ना आपको, तो समझ जाएगा कि बस यहीं रुक जाना है। 6 जुलाई का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, इस दिन सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी। 10 सन का कार्ड आया है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके द्वारा सोचे गए कार्य पूरे होंगे, लेकिन आपका ईगो भी बढ़ेगा। सब चीजों में वृद्धि होगी, सब चीजें आपके फेवर में होंगी, तो अहंकार भी बढ़ जाता है, और जब अहंकार बढ़े तो उस अहंकार को डाउन करना है आपको। डाउन कैसे करेंगे, अपने आप को ये बताएं कि ये जो चीजें हैं ये एक दिन की हैं, एक दिन आपके फेवर में चल रही हैं, तो इस एक दिन के लिए इतना अहंकारी होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि यार ये सारा कुछ जो अच्छा अच्छा हो रहा है ना, ये एक ही दिन का है, तो बस वहीं अहंकार आपका डाउन हो जाएगा। और एक्चुअली डाउन हो जाएगा क्योंकि अगला दिन आपके लिए उतना बढ़िया नहीं है। अगले दिन आपके द्वारा की गई गलतियों को पकड़ा ज्यादा जाएगा और आपको ताने मारे जाएंगे तो उन तानों को सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार रहें, लेकिन साथ साथ मदद करने वाला रवैया अपनाएं, लोगों की हेल्प करें, हेल्पिंग नेचर बना करके रखें। यानी अगर लोग आपको ताने मारते हैं तो ज्यादा बोर ना हो, ज्यादा परेशान ना हो, अपने आप को इन्वॉल्व करें इस चीज के लिए कि आप लोगों की भी हेल्प करेंगे, अपनी भी हेल्प करेंगे और अपनी सिक्योरिटी भी करेंगे। आपके ऊपर अगर बाय चांस एक तो ताने मारे जाएंगे, दूसरे बाय चांस आरोप लग सकते हैं। अगर कोई आरोप आपके ऊपर लगता है तो आपको वो रेजिस्ट करना होगा, संभालना होगा कि उस आरोप के जिम्मेदार आप नहीं हैं, इसको समझें। इन चीजों के अलावा 7 तारीख को नए कार्यों को ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारिक मामलों में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और जॉब के क्षेत्र में आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, तो इसलिए बॉस को अगर नाराज नहीं करना है तो 2 रूल्स बता देता हूं बढ़िया जल्दी से। रूल नंबर 1 है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये तो सबने सुन रखा है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बट दूसरा रूल जो मुझे किसी ने बताया था, मेरा नहीं है,
वो बहुत बढ़िया है। और दूसरा रूल है वही फॉलो करना है, पहले वाले को तो सब जानते हैं, दूसरे वाले को नहीं जानते। दूसरे वाले को अगर फॉलो करेंगे तभी पहला वाला काम करेगा। दूसरा है इफ बॉस इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर वन। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। 8 तारीख इमेजिनरी दिन रहेगा और इस दिन आपके द्वारा सोची गई चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिन इमेजिनरी रहेगा लेकिन वो इमेजिनेशन पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इमेजिनेशन करेंगे, विशेस करेंगे, भगवान ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। तो वो जो काश है ना, वो कुछ होता वोता नहीं है, वो तो बस यूजलेस चीज है। कभी सुना है कि काश वाला मामला किसी का सक्सेसफुल हो गया? नहीं सुना ना। तो काश वाश कुछ होता नहीं है। तो इमेजिन करें, इमेजिनेशंस में रहें, और जैसा कि मैंने कई बार कहा है, अगर आप इमेजिनेशन करते हैं तो सही ढंग से करें। प्रॉब्लम इमेजिनेशन में नहीं, आपके गलत इमेजिनेशन में है। जैसे फिर से वही एग्जांपल दे देता हूं, हवा में किले बनाना बुरी बात नहीं है लेकिन नीचे के पिलर बनाए ताकि किला खड़ा रहे, ठीक है। हवाई पुलाव पकाना बुरी बात नहीं है लेकिन फिर चम्मच बनाए ताकि उस पुलाव को निकाल करके खाया जा सके। चम्मच बनाना भूल गए तो उस पुलाव का क्या करें? प्लेट बनानी भूल गए, पुलाव रखेंगे कहां पर? टेबल बनाना भूल गए, प्लेट कहां रखेंगे? समझिए, पूरी प्लानिंग करिए, चेयर, टेबल, प्लेट, पुलाव, चम्मच, अब निकाल के खाइए। यानी जब आपके पास उस इमेजिनेशन को पूरा करने की पूरी योजना होगी तब काम कर पाएंगे। और अगर खाली इमेजिन करेंगे कि अरे मेरे को तो बस फला बनना है, तो वो फला बनना है तो बस इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन में मामला खत्म हो जाता है। तो इसलिए उस इमेजिनेशन तक पहुंचेंगे कैसे? रास्ते को भी इमेजिन करिए। जब आप रास्ते को इमेजिन करेंगे, इमेजिन ही तो करना है ना, कल्पना ही तो करनी है, तो करिए। जब आप बड़ा वाला कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए जिंदगी में तो बड़ा बढ़िया है, तो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसकी भी कल्पना करिए कि अभी मैं यहां पर हूं और वहां तक मैं ऐसे 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 पहुंचूंगा, भले कितना भी मुश्किल हो। इमेजिन करने में पैसे थोड़े लगते हैं, इमेजिन कर लीजिए। जब एक बार इमेजिन कर लेंगे तो उस पर आप सोच सकते हैं कि अच्छा अब तो ये मैंने रास्ता भी इमेजिन कर लिया, गोल मेरा इमेजिन हो गया, रास्ता भी इमेजिन हो गया, तो क्या इस रास्ते पर चला जा सकता है? तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली चला जा सकता है, थोड़ा मुश्किल है बट चल सकते हैं। तो इस तरह से इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं करेंगे तो दिन भर बस विशेष अच्छी अच्छी आएंगी, मजेदार विश करेंगे, सपने देखेंगे और फिर दिन खत्म। अगला दिन आ जाएगा जो कि है 9 तारीख। काफी पैशनेट रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़े उत्सुक रहेंगे, आक्रामक रहेंगे, दूसरों के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इसके अलावा आप सामाजिक प्राणी रहेंगे, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी होता ही है, ये नागरिक शास्त्र में पढ़ाते हैं। तो इस दिन आप सामाजिक प्राणी रहेंगे, समाज के लोगों से घुल मिलकर रहना और सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस दिखाना, फेसबुक वेसबुक पर खूब ढेर सारी फोटो अपलोड करना आपका शौक रहेगा इस दिन। इन चीजों के अलावा व्यापारिक मामलों में भी काफी सफलता मिलेगी आपको, जॉब के मामले में वाहवाही मिलने के संयोग बन रहे हैं। और 10 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। 10 तारीख को आप किसी ऐसे सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आपका सम्मान होगा, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापारिक मामलों में तरक्की की संभावना दिखती है इस दिन भी। 10 तारीख को भी जॉब के मामले में आपकी वाहवाही होगी और साथ ही साथ आपके विवाह के मामले में भी चर्चाएं चल सकती हैं, अगर आपकी एज विवाह के योग्य हो गई है तो। 11 जुलाई के दिन नई भावनाओं से, नए नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और 11 जुलाई को आप प्लानिंग करेंगे कि अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाऊं, इस वाली जॉब को छोड़कर उस वाली जॉब में कैसे चले जाऊं और सैलरी कैसे बढ़ा ले जाऊं। तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है कि आपकी सैलरी यहां से वहां जाने पर बढ़ जाएगी, तो अच्छी बात है। तो सोचें इस बारे में, बिल्कुल विचार करें, प्लान करें और ये चीजें पॉसिबल हैं। अगला एक महीना जो आपके लिए होगा व्यापार के लिए और जॉब के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 11 जुलाई से लेकर के अगर जुलाई 31 का होता है तो ये और वो, यानी कि 30 दिन, एक महीने का मतलब 30 दिन का मामला है। तो अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये शायद 9 अगस्त के आसपास जाकर के गिरेगा या 8 अगस्त होगा, तो जो भी है 8-9 अगस्त उसको कैलकुलेट कर लें। तो 11 जुलाई से लेके 8 मान के चल लें, 8 अगस्त का जो दिन होगा, इतना बड़ा 30 दिन का गैप, जो पूरा गैप नहीं पूरा पीरियड होगा, ये जॉब और बिजनेस के लिए बड़ा सूटेबल होगा। अगर आप किसी नई योजना पर हैं तो, और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो, अदरवाइज ये कोई आगे एक हफ्ते एक महीने का आपको ग्रेस नहीं दे रहा। बाकी में एक दिन में ही ये चीजें अच्छी रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी और मामला यहीं खत्म। तो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, ये था आपका होरोस्कोप वीकली राशिफल 5 से 11 जुलाई के लिए। अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस की।
स्पाइसिस 5 जुलाई के दिन आप काफी स्थिर बुद्धि व्यक्ति रहेंगे। जब मैं कहता हूँ स्थिर बुद्धि व्यक्ति तो मतलब आप जल्दबाज नहीं होंगे, हलचल कम करेंगे, शांत रहेंगे, शांत चित्त से सोचेंगे और डिसीजन लेंगे। डिसीजन बताएंगे नहीं, ना 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 ना, डिसीजन ले लेंगे, जब पूछा जाएगा तब बताएंगे। यह मेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है। आप संयमी रहेंगे, शांत भाव से देखेंगे मुस्कुरा करके, अच्छा जी आप प्रॉब्लम में हैं, ठीक है अपनी प्रॉब्लम में एंजॉय करें। जब पूछेंगे कि अरे यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन मैं बताता हूँ, फिर आपका मूड ऐसा हो जाएगा, तो जो कि बहुत बढ़िया है। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता मिलती दिख रही है और आर्थिक क्षेत्रों में या बिजनेस के क्षेत्र, बिजनेस तो बता ही दिया है, आर्थिक क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। जॉब के मामले में आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे उनकी सराहना तो नहीं होगी लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको जरूर मिलेगा और हो सकता है आपके बॉस इस चीज़ को नोटिस कर लें। 6 जुलाई का जो दिन है, जून निकल रहा है मुझसे, 6 जुलाई का जो दिन है, इस दिन पहली चीज़ तो ये समझे दिन बहुत बढ़िया है, दूसरी चीज़ इस दिन किसी भी महिला का अपमान आपको नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। 6 जुलाई को किसी महिला का अपमान नहीं करना। कोई महिला आपसे लड़ाई कर लेती है, सॉरी मैडम बोल दें, कोई महिला आपको नहीं पसंद है, आप उसके बारे में बिचिंग करना चाहते हैं, बिचिंग मतलब बुराई करना चाहते हैं, कुछ गलत बातें किसी से कहने का मन हो रहा है, अपने मन में ही बातों को दबा लें, वो बातें नहीं कहनी है। और मज़ेदार बात बताऊँ, ये जो नियम मैंने बताया ये महिलाओं पर भी लागू होता है। अगर आप खुद लेडीज़ हैं तो भी आप दूसरी लेडीज़ की बुराई, उनकी इंसल्ट, उनके बारे में बिचिंग नहीं करेंगी, क्योंकि इससे आपकी भी फीमेल एनर्जी, आप तो चूंकि फीमेल होंगी तो आपकी फीमेल एनर्जी और अफेक्ट होगी, तो इसलिए ध्यान रखें। और जो मेल्स हैं उनके ऊपर तो ये रूल है ही है। इसके अलावा अगर द्विपक्षीय मामलों में कहीं इफ एंड बट की कंडीशन आती है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो जो सही है उस ओर जाइएगा, बिल्कुल स्वार्थ की चिंता मत करिएगा और स्वार्थी रहना नहीं है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत बढ़िया है, कुछ गंभीर चीज़ों के अध्ययन के लिए दिन बढ़िया है। अगर किसी ऐसी चीज़ में आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते थे जो आपने पहले से सोच रखी थी और आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो वो शुरुआत करने के लिए 6 जुलाई बढ़िया दिन है। 7 जुलाई का दिन ऐसा रहेगा जब आप अपने आप को बिल्कुल नया और नवीन पाएंगे। नवीन का मतलब किसी कार्य में एकदम नयापन लेकर के आएंगे, नई योजना के साथ आएंगे और आपकी योजना धरी रह जाएगी क्योंकि वो योजना टल जाएगी। सुनने में बढ़िया लगा था ना शुरुआत में, खैर मैंने कहा टल जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, योजना टलेगी। और टलने के पीछे अगर आपकी योजना 7 तारीख को टल जाती है तो आप मान के चलें कि आपकी योजना में दम नहीं है या आपकी योजना में काफ़ी सारी कमियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, इसलिए ईश्वर ने इन योजनाओं को टाल दिया है। और किसी भी काम को जबरदस्ती 7 तारीख को शुरू करने की कोशिश ना करें, आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 8 जुलाई का दिन इनसिक्योरिटी लेकर के आ रहा है, साथ साथ अपने आप पर अविश्वास भी लेकर के आ रहा है, तो इनसिक्योरिटी और अविश्वास का सामना आपको करना पड़ेगा और वो भी सब अपने साथ में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस चीज से उबरा नहीं जा सकता। आपको एक बार जब मैंने बता दिया है और आप समझ गए कि ये इनसिक्योर फीलिंग आपके पास रहेगी और अपने आप को आप थोड़ा सा इनकैपेबल मानेंगे, तो उस चीज से निकलना भी आपको ही है। अपने ऊपर विश्वास कर लें, अपनी इनसिक्योर फीलिंग को साइड कर लें कि हाँ जी ठीक है मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लाइफ में आगे तो बढ़ना है, काम तो करना है, तो चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। दूसरे, अच्छा ये तो एक चीज़ हो गई जो थोड़ी निगेटिव थी। अब दूसरी चीज़ है, इस दिन अपने फाइनेंसेस का बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि पैसा आपके पास से बुरी तरह से खर्च हो सकता है या किसी ऐसे क्षेत्र में जा सकता है जहां एक्चुअली आपके पैसे को नहीं जाना चाहिए था। तो पैसे को दांत से पकड़ कर रखिएगा, हाथ से नहीं। वो हाथ से पकड़ते तो सरक जाता है, जब दांत से पकड़ते तो कहीं नहीं जाता। करके देखिएगा, नोट फट जाएगी, सिक्का आपके दांत को तोड़ देगा लेकिन निकलेगा नहीं। ऐसा मत करिएगा, दांत वांत में सिक्का मत फंसाइएगा। ये कहावत है कि पैसे को दांत से पकड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, आपको चिंतन मनन करने की जरूरत है किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले, और ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी है। एक्चुअली इस दिन जितना ज़्यादा आप आत्म अवलोकन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, ज़्यादा हिंदी होगी ना, इस दिन जितना ज़्यादा आप सेल्फ एनालिसिस मेंट करेंगे, सेल्फ जजमेंट करेंगे और सेल्फ गाइडेंस लेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा ये दिन। अब बात करते हैं 10 तारीख की। तो 10 जुलाई का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता को दर्शाता है, धन के मामले में साइमल्टेनियसली 2 सोर्सेस से पैसा आने की घोषणा भी करता है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपने पहले इसके लिए काम किया हो। और अगर पहले काम नहीं किया है तो
सिचुएशन ऐसी होगी कि दो मामले आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे और मनी मैटर्स आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ प्लान कर रखा था या किसी प्लान पर आप थे कि मैं अर्निंग का एक और सोर्स बना लूं, तो उस ओर आगे बढ़ने के लिए भी 10 जुलाई का दिन आपको हेल्प कर देगा। नए कार्यों को शुरू करने के लिए 10 जुलाई बढ़िया दिन है और दोस्तों के साथ डीलिंग के लिए और परिवार में दिन बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर अच्छा ही दिन है, बुरा नहीं है। 11 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आपके अंदर एक ऐसी भावना होगी जिसकी वजह से आप किसी के साथ अन्याय होते हुए देख नहीं पाएंगे, इवन अपने साथ भी अन्याय को नहीं देख पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की चौतरफा प्रशंसा हो सकती है। प्रशंसा में फूले नहीं, शांत रहें, थैंक यू बोलें, प्रशंसा को एक्सेप्ट कर लें। जी हाँ, प्रशंसा को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक। प्रशंसा मतलब फेम। आप इस दिन वेल ड्रेस्ड पर्सन रहेंगे, थोड़ा सा दिखावा पसंद भी रहेंगे और अपने आप में काफी ज्यादा संतोषी और संतुलित व्यक्ति रहेंगे, तो ये आपकी क्वालिटी रहेगी। इन चीजों के अलावा लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं रहेंगे, ग्रीड इस दिन बिल्कुल आप में नहीं रहेगी, आप एक भले हुए अच्छे पर्सन रहेंगे। तो मीन राशि, यह था आपके लिए होरोस्कोप यानी राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 जुलाई के लिए। आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी वीकली होरोस्कोप उनकी राशि का मिल सके और उनका फायदा हो सके, ठीक है। तो जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, तो आपकी स्क्रीन पर अब जो नंबर आ रहा है ये मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें मेरी टीम के साथ, मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। चलते चलते आपको याद दिला दूं कि मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं स्टोरीज डाल रहा हूं और आने वाले समय में उस पर कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस की सीरीज भी आने वाली है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों की ओर से बड़ा सहयोग मिल रहा है, मेरे एग्जिस्टिंग जो सब्सक्राइबर हैं उनका सहयोग उस चैनल पर मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी आए हैं जिनके ऊपर मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ, और जल्दी ही उस चैनल पर स्टोरीज के साथ साथ और भी चीज़ें आएंगी। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में, अब राशिफल तो एक हफ्ते बाद आएगा, लेकिन अगला वीडियो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट डे मैं पब्लिश कर दूंगा, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।